नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक नॉलेज चैनल में। आज हम आपको बताएंगे मासिक दुर्गाष्टमी की व्रत विधि के बारे में। आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारे चैनल के नए नए अपडेट्स मिलते रहें। मासिक दुर्गाष्टमी का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व है। लोग इस दिन व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की पूजा उपासना करते हैं। हर महीने में शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दुर्गाष्टमी कहा जाता है। इस दिन माँ दुर्गा का व्रत पूजन करने से सभी कष्ट दूर होते हैं। हर तरह की सुख समृद्धि संपन्नता की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएँ पूर्ण होती है। व्रत विधि, इस दिन सबसे पहले स्नान करके शुद्ध हो जाएं, फिर पूजा के स्थान को गंगा जल डालकर उसकी शुद्धि कर लें। इसके पश्चात लकड़ी के पाट पर लाल वस्त्र बिछाकर उस पर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर लें। फिर माता को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। फिर प्रसाद के रूप में आप फल और मिठाई चढ़ाएं। अब धूप और दीप जलाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और फिर माता की आरती करें। फिर हाथ जोड़कर देवी से प्रार्थना करें, माता आपकी इच्छा ज़रूर पूरा करेंगी। ये थी जानकारी मासिक दुर्गाष्टमी व्रत विधि के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।